नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 45 हल करेंगे। तो इस कार्य पत्र को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें कौन सी दक्षता प्राप्त करनी है, तो समतुल्य भिन्नों की समझ बना पाना। तो इस कार्य पत्रक में हम समतुल्य भिन्न के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न, आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो दो आकृतियां दे रखी है, उनके समतुल्य आकृतियों को छायांकित करना है और उनको लिखना भी है। तो क में है, पहली आकृति में तीन भाग किए हैं जो बट्टे में आ जाते हैं और एक भाग इसने छायांकित किया है, तो ये हो जाता है 1/3। उसी प्रकार इस दूसरी आकृति में 6 भाग दिए हैं और इसमें से छायांकित किए हैं 2। तो इस प्रकार ये जो भिन्न बनेगी 1/3 या 2/6, ये दोनों संख्या है वो समतुल्य होगी। उसका कारण है, जैसे एक को जिस संख्या से हम ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे यानी अंश को गुणा करेंगे, उसी से हम हर वाली संख्या को भी गुणा करेंगे। तो एक को 2 से गुणा किया 2 आ गए, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गए। इस प्रकार जो संख्या बनती है वो समतुल्य भिन्न बनती है। ख में देख लेते हैं, यहाँ पर इसने एक आकृति के 5 भाग किए हैं, 5 भागों को इसने हर में लिख दिया है और छायांकित भाग किए हैं 3, तो तीनों को इसने हर में लिख दिया है। इसके समतुल्य हमें भिन्न बनानी है, तो इसके समतुल्य भिन्न बनाएंगे। मान लो क में हल किया, उसी प्रकार करते हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएंगे। और हम इस आकृति को इस प्रकार विभाजित करेंगे कि इसके हमें 10 भाग करने हैं, तो ये इस प्रकार इसके 10 भाग हो जाएंगे और इनमें से 6 को छायांकित करना है। तो 6 कोई से भी भाग आप इसमें छायांकित कर सकते हो। ये इस प्रकार हमने 6 भाग छायांकित कर दिए हैं। तो ये आकृति और ये दोनों आकृति समतुल्य हो गई, ये भिन्न और ये भिन्न समतुल्य हो गई। आकृति ग, इसमें हमें दूसरी आकृति दे रखी है जिसमें इसने 6/12 दिए, यानी कुल 12 भाग किए हैं और जिसमें से 6 भागों को इसने छायांकित किया है। जिस प्रकार इन संख्याओं में बराबर गुणा किया था उसी प्रकार हम इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 6/12 है, तो 6 में हम भाग देंगे 6 का, तो ये आ जाएगा 1, और 12 में हम 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2। यानी हमें इस आकृति के 2 भाग करने हैं जिसमें से 1 को छायांकित करना है। तो ये आकृति और ये आकृति समतुल्य हो जाएगी। ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले से अगर दूसरी संख्या प्राप्त करते हो तो आप गुणा कर सकते हो, या आपके पास बड़ी संख्या है तो आप भाग करके भी उसको समतुल्य बना सकते हो। घ, इसमें एक आकृति दे रखी है जिसके 2 भाग किए हैं और 1 को छायांकित किया है, तो यहाँ पर हमें 4 भाग दे रखे हैं, तो हर में 4 लिखेंगे तो अंश में 2 आ जाएंगे, तो इन 2 भागों को हम छायांकित कर देंगे तो ये आकृति इसके समतुल्य बन जाएगी। अब इस आकृति में इसने 3 भाग किए हैं और 1 को छायांकित किया है, तो हम इस आकृति में 6 भाग कर देंगे, 3 के 6 कर देंगे और 6 में से 2 भागों को छायांकित कर देंगे, तो ये आकृति समतुल्य हो जाएगी 2/6। यानी 1 से हम 2 को गुणा करेंगे 2 आ जाएंगे, 3 से हम 2 को गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे। तो जिस संख्या से अंश में गुणा कर रहे हैं उसी से हर में गुणा करना है, उसी प्रकार जिस संख्या का आप अंश में भाग दे रहे हो उसी का आपको हर में भाग देना होगा, तो वो जो संख्याएं प्राप्त होगी वो हमेशा समतुल्य संख्याएं होगी। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई भिन्नों की 2-2 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो पहले में इसने दी है 3/4, तो 3/4 को हम 2-2 से गुणा करें, तो 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गए, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गए। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आ जाएंगे। इस प्रकार ये जो संख्याएं होगी 3/4, 6/8 और 9/12 ये समतुल्य भिन्न होगी। ख में इसने दिया है 3/6, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 आ जाएंगे। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएंगे, 6 से गुणा करेंगे 18 आ जाएंगे, 9/18। इस प्रकार ये संख्याएं समतुल्य भिन्न बन जाएगी। ग, ग में 4/8, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 4/8 यानी दोनों संख्याओं में हम 2-2 का भाग देते हैं, तो 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गई, 8 में 2 का भाग दिया 4 आ गए। अब 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, 4/8 को 2-2 से गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, 8/16, तो ये संख्याएं भी समतुल्य संख्याएं होगी। घ, 5/12,
तो 5 को 2 से गुणा किया 10 और 12 को 2 से गुणा किया 24, 10 बटे 24। 5 को 3 से गुणा किया 15 और 12 को 3 से गुणा किया 36, 36। इसमें एक ही चीज हमें दिमाग में रखनी है, जिस संख्या से हम अंश को गुणा कर रहे हैं उसी से ही हर को गुणा करेंगे। जिस संख्या का हम अंश में भाग दे रहे हैं उसी संख्या का हमें हर में भाग देना है, और भाग हमेशा पूरा पूरा जाना चाहिए। तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा समतुल्य संख्या होगी। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियों का जोड़ समतुल्य भिन्नों को दर्शा रहा है, बॉक्स में सही का निशान लगाइए अन्यथा गलत लगाइए। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या बन रही है वो 1/2 बन रही है, यहाँ पे बन रही है 1/3, तो ये दोनों संख्या समतुल्य नहीं है, तो यहाँ पर यह गलत का चिन्ह आ जाएगा। दूसरे में देखिए तो यहाँ पर 3 भाग कर रखे हैं, 2 छायांकित है, तो ये 2/3 ये इसकी भिन्न बन जाएगी, और इसमें है, इसमें भी है 2/6, तो ये भी समतुल्य भिन्न नहीं होगी। इसमें देखिए ये है 1/4 और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 2/8। ये दोनों जो आकृतियां हैं वो समतुल्य है, क्योंकि 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गए, 4 को 2 से गुणा किया 8 आ गए, तो ये आकृतियां समतुल्य भिन्न को दर्शाएगी। अब इसमें बनेगी 1/3 और इसमें बन जाएगी 2/4, ये भी समतुल्य भिन्न नहीं होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस का निशान। इस प्रकार हम कार्यपत्रक 45 को हल कर लेंगे। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।